इज डिफरेंटली एबल्ड बिकॉज वो बंदा साइकिल चला रहा है एक पैर से. हम लोग यहाँ पे खुद को डेढ़ शाणी समझ रहे थे, सवा शेर समझ रहे थे कि भाई कल साइकिल में लेके आया, ऐसा किया वैसा किया. वो बंदे का एक पैर है जिससे वो साइकिल चला के आया. Over the edge, feel like I'm floating through. Here I start my ride. Actually it's not a ride. Tomorrow I have a race, cycle race kind of a thing, which is arranged by Rotary Club. And for that, the flag off is at 6:45-7 in the morning. And I have to be there by 6:30. So I don't want to take any risk. I have registered almost a month ago. And therefore I am leaving today, that is Saturday, that is 4th of January. And I wanted to leave at 4, but today, now it is, as you can see, 8:02, so I am 4 hours late. And I wanted to be now in my lecture, in my college, but it's okay, it's fine now, I'll just leave. Most probably I am not taking any break, I'll directly go to my college, attend lecture, then eat something, and then I have my traditional day in my college. So days are going on a bit late, but in our college it is the time when we celebrate our college days. So that's it. Chalo, let's leave. My trek is ready. I have all my gears, and this light which I am using now, the headlight, is of my friend, that is Zed, whom you have seen in my Gateway return and ride, and now he is also riding with me tomorrow. Yeah guys, at Whitson College, मैं पहुँच गया college में. Lectures तो मेरे miss हो गया, but then traditional day था, so this is my attire. And अभी से photo वीडियो खिंचवा के जब पार्टी वेटी करके निकल रहा हूँ. भूख लगी है, so I'm going out with my friend. I'll go again riding. देखते हैं, either I'll go riding और मैं जाके जैद के यहाँ पे साइकिल रख दूँगा, एंड आई लीव फॉर होम बिकॉज आई हैव फ्यू वर्क, एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू गो टू जिम. सो लेट्स मीट आफ्टर आई रीच जैद्स प्लेस. सो मैं पहुँच चुका हूँ मुंबई में, साउथ मुंबई में, जैद के शॉप के यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ. मेन थिंग इज़ अभी बज गए रात के 2:30, एंड मुझे उठना है अराउंड 5 बजे के आसपास. सो मैं 6 बजे के आसपास कालाकोटा पहुँच सकता हूँ कल के राइड के लिए. Take the next left onto Ismail Kerti Road, then your destination will be on the left. ओके आंटी. आंटी बहुत बड़बड़ करती है. सो मेन चीज़ था कि मुझे मेरा जिम भी मिस नहीं करना था, एज वेल एज मुझे मेरे घर पे जो पेट है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है वो भी मेरे को किसी पे डालनी नहीं थी. सो शाम को मैं यहाँ पे आया. एक काम करता हूँ, आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ बाद में, आफ्टर आई रीच देयर एंड आई एम रेडी टू स्लीप. बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना सुनसान रास्ता है. गूगल माता ने मेरा एक दिन में दूसरी बार काट दिया. मुझे वहाँ पे कहीं पे जाके छोड़ दिया था. गूगल माता ने बोल दिया था कि ये जैद भाई का शॉप है, बट एक्चुअली जैद भाई का शॉप ये है. एड्रेस में मिटाने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ मी एंड माय चैनल. सो अभी हम खुलते हैं. अभी उठ के वर्कर्स को उठाना है. सो इसको जरा बंद करते हैं. तो ऐसा कुछ रहा मेरा सफ़र कि मैं सुबह आया था. एज मैंने पहले ही बताया था कि मैं सुबह साइकिल लेके आऊँगा फॉर कॉलेज. ट्रेडिशनल डे होगा, वो मैंने सेलिब्रेट किया. उसके बाद मैं वहाँ से निकला. जैद भाई तभी डोंबिवली गए थे उनके कुछ काम के लिए, बिजनेस रिलेटेड वर्क. सो वो वहाँ से निकले,
मैं कॉलेज से निकला, एक फ्रेंड जो थी साथ में उसको ड्रॉप किया, देन मैं आगे आया। जितना उन्होंने मुझे रास्ता गाइड किया था, जितना आधा गूगल माता ने मुझे गाइड किया था। फिर मैंने सोचा कि मैं घर पे जाता हूँ, मेरे जो छोटे छोटे काम है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब काम करके जिम मुझे कट नहीं करना था। एक भी दिन मुझे छुट्टी लेना जिम से अच्छा नहीं लगता है। हाँ ओके, देख के मुझे ऐसा नहीं लगता होगा कि आई एम वेरी मच एंथुसियास्टिक अबाउट जिमिंग, बट या आई एम, मुझे अच्छा लगता है जिम जाने के लिए एंड वर्कआउट करने के लिए। सो मुझे आज का वर्कआउट बिल्कुल मिस नहीं करना था, विच वॉज लेग्स। ऑफकोर्स सैटरडे को लेग्स होते हैं। एंड देन उसके बाद में आई स्टार्टेड अप टू कम हियर। सो घर पे गया, नहा धो के रेडी हुआ, एंड देन जस्ट खाना खाने को बैठने वाला था। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार 12:30 का लास्ट ट्रेन होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से जाऊँगा घर के। जस्ट मैंने अच्छा हुआ, गॉड फॉरबिड, अच्छा हुआ कि मैंने एक बार एम इंडिकेटर चेक कर लिया। एम इंडिकेटर ने बोला कि भाई 11:52 इज़ द लास्ट ट्रेन फ्रॉम बदलापुर टू CST, जो 11:52 को वो कल्याण पहुँचता है। एंड आई वॉज लाइक यार यही पे हो गया 11:49, 3 मिनट में तो मैं पहुँचने नहीं वाला। एंड आई वॉज लाइक कि चलो प्लान तो ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ एक बार रिस्क लेता हूँ, एटलीस्ट स्टेशन तक जाता हूँ, अगर ट्रेन गई होगी तो आई विल कम बैक होम, आई विल ईट डिनर एंड स्लीप, एंड देन मॉर्निंग में जो फर्स्ट ट्रेन है या सेकेंड ट्रेन है वो पकड़ के निकल जाऊँगा, इफ़ नॉट देन लेट्स डू इट। वैसे भी अतरंगी अतरंगी चीज़ें तो मैंने कर चुके हूँ, साइकिल जो ले ली, ये कैमरा जो ले लिया, ऑन वॉट सो एवर बेसिस आई डिड इट, लेट्स डू वन मोर, ऐसा सोच के निकल गया। एंड देन आई एम हियर नाउ एट 12:30, टू बी प्रिसाइज इट इज 12:38। सुबह उठ के नहा धो, आई मीन नॉट नहा धो के, जस्ट ब्रश करके नाश्ता करके 6:30 मैक्स वी हैव टू रीच देयर एट कालाघोड़ा। बाय द वे गूगल माता काट दी थी, सुधरो गूगल सुधरो, इंडिया में सुधर जाओ प्लीज। दिस आर ऑल द राइडर्स। I felt it's paid for, all is said and done. Oh. Okay. हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, टी शर्ट लेते हैं खुद का, एंड देन आई विल बीट यू। दिस इज़ द बैंड, ये बैंड पहले देते हैं, बाद में ये मैप जो है वो देते हैं, एंड एट लास्ट वी गेट द टी शर्ट। सो नाउ वी हैव टू वेयर द टी शर्ट। सबको एक सिमिलर टी शर्ट दिया है, खाली साइजेस आर डिफरेंट। एंड देन जब 7 बजे फ्लैग ऑफ होगा तभी विल लीव फ्रॉम योर। सो बेसिकली हमारा जो पोपट हुआ है उस जैद भाई मिलने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी हुए 6:48 एंड हम लोग का जो पोपट हुआ है दैट वाज, मैं पूरा शगल करके ये बंदी को मेरे कल्याण से कल लेके आया, जैद भाई के शॉप पे रख दिया। एंड जब भी हम मैं खाना खा के, बिकॉज मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाली नाश्ता किया था, तो वो करके मैं जब भी निकल रहा सोया था, थाने या डोंबिवली पहुंचा था, आई डोंट रिमेम्बर, तभी मेरे को एक ईमेल आता है। जो मेन चीज़ नीचे नोट करके लिखी थी वो था, इट इज़ ए साइकिल रैली नॉट ए रेस, सो यू डोंट हैव टू ओवरटेक एनीवन, यू डोंट हैव टू ब्रेक सिग्नल्स, बेसिकली लॉ ब्रेक मत करो, यही बोलना चाहते थे। जैसे आपको मैंने सब कुछ बता दिया था कि मेरा कैसे गूगल माता ने दूसरी बार एक ही दिन में कटवाया था, वो सब होने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार मैसेज चेक कर लेता हूँ इंस्टाग्राम के, एंड लाइक्स वगैरह चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने मेरे ट्रेडिशनल डे के फोटोज़ वगैरह डाले थे, तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट इट। तो सो नोटिफिकेशन, अरे भाई मच्छर, सो नोटिफिकेशन है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ देख लिया। उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड है जो कि MBBS कर रही है, बट शी इज़ इन रशिया, तो उनका टाइमलाइन अपने से 3 घंटा पीछे। ये बंदी, इसने मुझे, बहुत अच्छी फ्रेंड है, जूनियर कॉलेज के टाइम से फ्रेंड है, तो इसने मुझे मैसेज किया कि हाय क्या चालू है, मैंने भी मैसेज कर दिया ऑनलाइन देख के, और ऐसी बात हो रही थी, पुरानी सब यादें निकाल रहे थे हम लोग कि क्या होते थे, कैसे किया करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे, कितनी मस्ती मजाक कांड होते थे हमारे बीच में। और ऐसे कर करके 4 बज गए, 4 बजे मैंने उसको बोला कि बेन मेरे को सोना पड़ेगा, नहीं तो मैं राइड में सो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, बट बोलने के लिए क्या जाता है अपना, तो मैं सो गया, वो सो गई। एंड बाद में
सुबह 5 बजे जैद भाई, 5:30 बजे, 5:30 बजे जैद भाई आके मेरे को उठाते, उठ जाओ जाने का है। तो मेरा ऐसा था 5 मिनट और वो जो टिपिकल मम्मी को बोलते ना, मम्मी 5 मिनट और, वैसा वाला करके मैंने सीधे बोल दिया 15 मिनट और। 15 मिनट बाद एक्चुअली मैं दिल पे पत्थर रख के उठ गया। सो ये सब लोग हैं हमारे साथ। अरे गेटवे नहीं है, ओके, मुझे लगा गेटवे जाके निकल रहे। वैसे भी वी जस्ट हैव टू राइड। सो हम लोग मजा मस्ती करके किसी ना किसी का मजाक उड़ा के चलाएंगे। रेस तो है नहीं। ओहो, पहली बार ऐसा VIP वाला ये सीन लग रहा है। सब बस वगैरह अपने लिए रुके, अपने लिए। सबके खतरनाक खतरनाक साइकिल और एक एक्सपर्ट वो भी ब्रो साइकिल। अब बचपन में चलाते थे हम, बचपन में देखने ओ, बिटवीन वाला तो ऐसा स्प्रिंट मार रहा है जैसे इसको ही फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है, जो कि है नहीं। भरम है आपका भरम। बीप करना पड़ेगा मेरे को, बीप करना पड़ेगा। शोभित की गालियां मुंबईकर निखिल के चैनल पे और जैद की गालियां मेरे चैनल पे, बवाल मचा देंगे। सब पीले पीले में, अगर लड़की है तो वाइट में। ओहो जैद भाई, दिस इज द अलग स्वैग। कर सकता है कोई ऐसा? अगर आज कोई गाड़ी वाला भिड़ा तो इतने सारे साइकिल वालों की पड़ेगी। ये तो पुलिस वाला निकला बे, सेम हेलमेट। चलो, मैंने उसको दिखाया कि भाई मेरे पास सेम हेलमेट है, और बाद में मैंने जैद भाई की साइकिल पे देखा कि मेरा हेलमेट वहाँ पे लटका है। लोग ऑलमोस्ट सेकेंड चेक पॉइंट पहुँच चुके हैं, दैट इज ठाकुर द्वार। यहाँ से पार्थ का घर नज़दीक है, बट अभी उसके पेरेंट्स घर पे है सो जा नहीं सकते सुबह सुबह। तो पहली बार पुलिस का फुल सिक्योरिटी अपने लिए। वही बंदी की हाइट है या क्या है, 6.5 के तो ऊपर रहेगा। जैद भाई निकल रहे हैं आगे। दिस इज पार्क की गली, नवीवाड़ी। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated. That's what actually जो बोलते हैं ना, साइक्लिस्ट लोगों को सिग्नल सप्लाई नहीं होते, वो आज फॉलो कर रहे हैं। कुछ अच्छा लग रहा है।
चलो आयशा के घर से बाय बोल के जाते हैं उसको। आयशा Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. So, that's how we have reached our destination. Chal, mere baal to chapad ho gaye. Abhi, this is what my tag is. I am giving it to Zed bhai. Zed bhai, laga do. तो डाल दिया जैद भाई के पास ही रहने दो अपना। ये रुको रुको यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, लाइन है लाइन, खाना खाने को लाइन। एंड जो सबसे बड़ा मेरा पोपट हुआ है, मतलब ये दो तीन दिन में तो मेरे पोपट पे पोपट हो रहे हैं, बट सबसे बड़ा जो मेरा पोपट हुआ है दैट इज़ मेरे गोप्रो का 64 GB का स्पेस ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है ना, शर्माओ शर्माओ ज़रा, दूसरे के दुख पे इतना खुशी हो रही है आपको, शर्माओ ज़रा, दूसरे के दुख पे इतना खुश नहीं होते। तो हम लोग को मिलने वाले केले, इतने कार्ब्स और फ्रूटी, दैट इज जंक। साइकिल चलाओ जंक खाओ, साइकिल चलाओ जंक खाओ, जंक केले खाओ, केले खाओ। पेड़ वाले खतरनाक वाले जा रहे हैं यार, जल्दी दे दो, गाड़ी देखनी है बस, अभी बाइक देखनी है। बाइक नहीं थी, कार थी वो। क्या कार थी वो जो गई? कार थी पक्का, छोड़ दो, वैसे भी अपने को कहाँ पे दिखने वाली है फिर से। So, जो हमको मिला है खाने के लिए दैट इज़ एक केला, एक हनीबेल का केक, एक एप्पी मैंने लिया, मैंने फ्रूटी नहीं लिया, एंड पानी का बॉटल 10 वाला, एंड वही सेम चीज़ जैद भाई ने भी लिया। ये हमारा बास्केट है जिसमें मैंने सब कुछ रखा है। अभी ज़रा एक कोना ढूंढते हैं जहाँ पे हम बैठ के, आई मीन नॉट बैठ के, एटलीस्ट खड़ा रह के खा सकेंगे आराम से। मैं ज़रा खाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ, बिकॉज कल रात को मैंने खाना नहीं खाया है। सो खाना पीना सब कुछ हो चुका है, जैद भाई अपने फ़ोन पे लग चुके हैं। देर इज़ वन न्यू फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि काले दिख रहे हैं हम लोग, हाँ, सो ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ वर्निन, बट ही इज़ अ साइकिलिस्ट हु इज़ रिकमेंडिंग मी सम अदर राइड्स लाइक दिस। वन इज़ फ्रॉम BKC टू NCPA, राइट? हाँ, साइकिल खुद की लेके आना, भाड़े पे मत लेके आना, और अगर बेस्ट साइकिल मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन है तो भैया साइकिल उठाना, एकदम खतरनाक पिकअप। एंड एक्चुअली अभी जस्ट हम तीनों के साथ एक सीन हुआ, सीन ऐसा था कि समथिंग सीरियस, इट इज़ नॉट फनी, सीरियसनेस ऐसा था कि हम लोग सब खा रहे हैं, मजाक मस्ती चालू है, एंड अचानक से देर वॉज वन पर्सन हु केम विद ए साइकिल इन साइड, एंड एवरी वन, इफ यू सी देर, एवरी वन इज़ विदाउट साइकिल्स, बिकॉज हमारे साइकिल्स बाहर पार्क की है, लॉक किए हम लोग ने, एंड वी केम इन, बिकॉज हम लोग को वैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। वो बंदा, उसकी रेसिंग साइकिल टाइप थी, वो लेके अंदर आया, एंड आई वॉज लाइक, समझ में नहीं आता लोगों को, एंड आई वॉज काइंड ऑफ, वो मेरे इतने दिमाग में फ्री थॉट से जज कर रहा था मैं उस बंदे को, एंड हमारे भाई जो है वर्निन भाई, वो आराम से चेयर पे बैठे थे। वो बंदा आया उनके पास साइकिल पे, एंड वो चेयर, प्लीज़ चेयर दो मुझे बैठना है, ऐसा कुछ बोल दिया। ये बंदे का ऐसा था भाई, मैंने पकड़ी है, वो ट्रेन वाला टिपिकल होता ना, मैंने विंडो सीट पकड़ा है, तुझे काय को दूँ, वैसा वाला एटीट्यूड था। फिर भाई ने दूसरे साइड पे देखा, एंड देन ही इज़ वन लेग पर्सन, ही इज़ डिफरेंटली एबल्ड, बिकॉज वो बंदा साइकिल चला रहा है एक पैर से। हम लोग यहाँ पे खुद को देड़शाने समझ रहे थे, सवा शेर समझ रहे थे, कि भाई कल साइकिल में लेके आया, ऐसा किया वैसा किया, वो बंदे का एक पैर है जिससे वो साइकिल चला के आया। भाई जो है उनके बारे में जस्ट अभी मैंने बताया, अभी उनके व्यूज़ सुनो साइकिलिंग के बारे में। यार साइकिलिंग इस तरह से होती है कि हम सबने साइकिलिंग शुरू कैसे होती है, जैसे बचपन में साइकिल चलाते हैं तो लोग फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद साइकिल छोड़ देते हैं, बाइक पे आ जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा कॉलेज गया अभी उसको बाइक,
लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम बाइक लो मत। तुम अगर तुमको कहीं जाना है अपने 5-10 किलोमीटर के एरिया में, मीटिंग करना है किसी के साथ, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, 10 किलोमीटर के या 20 किलोमीटर के अंदर हो तो आप साइकिल से भी जा सकते हो एक्चुअली। तो यही से साइकिलिंग की शुरुआत होती है। Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh.